कन्हैया जी, खबरें तो चावलों की भी निकल के सामने आ रही है कि चावल पे भी कुछ संकट के बादल छा सकते हैं, निर्यात बंद हो सकता है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि चावल पर सरकार निर्यात बैन करने का कोई विचार नहीं बना रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार की कोई खबर नहीं है अभी तक ऐसी। तो आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिष के हिसाब से और आपके एनालिसिस के आधार पर क्या चावलों के ऊपर अभी कुछ संकट के बादल छा सकते हैं निर्यात को लेकर? देखिए, चावल के अंदर जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि चावल के जो दाम हैं वो कोई ऐसी बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े नहीं है। दूसरा, चावल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो भारत माना जाता है। लगभग 150 देशों को चावल निर्यात करने वाला भारत है। और राइस का जो प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी है, वो इस स्तर पर यदि वो बैन होता है तो चावल के व्यापारियों को और किसानों को निराशा होगी। और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस दिशा में, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि खाद्य तेलों में पिछले साल से लगभग 85% की तेजी है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। साथ साथ जो पल्सेज हैं, पल्सेज में भी 25-30% की तेजी है, उसके ऊपर भी इन्होंने काम कर रखा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री कर रखा है मोजाम्बिक से और तंजानिया वगैरह से और म्यांमार वगैरह से। अब जो मेन जो कंसर्न है, वो मेन कंसर्न इनको अभी इन्फ्लेशन रोकना है, तो उसके लिए फौरी कदम जो उठाए हैं सरकार ने, वो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी। वो उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जो मोटे तौर पे जो तेजी रही, और गेहूं के अंदर साल भर के अंदर भी 20 से 25% की तेजी रही, तो उसके ऊपर भी इन्होंने निर्यात लगा दिया है। लेकिन चीनी के ऊपर जो इन्होंने निर्यात लगाया वो एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति रही थी, क्योंकि 355 लाख टन का इनका प्रोडक्शन था और जो पिछले साल के बनस्पत 305 लाख टन से अधिक था। और सरकार ने 85 लाख टन तो ऑलरेडी चीनी की एक्सपोर्ट कर ही दिया है, तो 5-7 लाख टन की वजह से इन्होंने जो किया है। लेकिन चीनी के जो दाम थे पिछले 5 साल में अपेक्षाकृत बढ़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया है। तो मुझे लगता है कि चावल पर एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की सरकार को शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जी।